तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जापानीज एनिमे कंपनी इंडिया का मजाक बना रही है, इंडिया के कल्चर ट्रेडिशन को एक मजाक बना रही है, और इसी इंडिया के ट्रेडिशन कल्चर और रिलीजन का मजाक बनाने के लिए गाना तक कंपोज कर चुके हैं। इंडिया और उनके कल्चर से ना भिड़ने मत आओ, प्यूडीपाई ने ये दुस्साहस दिखाया था, बेचारा अभी भी भुगत रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों इस गाने का नाम रखा गया फिफ्थ सिंगल नमस्ते करी पुलिस। मतलब जैसा अजीब ये गाना है, कोई मीनिंग ही नहीं है इस गाने का, ठीक उतना ही अजीब इसका टाइटल और थंबनेल है। थंबनेल तो भाई मतलब स्क्रीनशॉट ही अपलोड कर दिया। ये जो करी पुलिस का जो ये टैग है, ये इंडियंस को इंडिकेट करने के लिए है। दुनिया में सबसे मतलब दोस्तों आप देख रहे हैं इंडियंस को भुक्कर बोला जा रहा है, और हम सिर्फ करी के अलावा और कुछ नहीं खाते। मतलब यार हमें लगता था कि हम इंडिया में रहते हैं, लेकिन इंडिया में तो करी के अलावा और कुछ खाया ही नहीं जाता। इसका मतलब हम ओरिजिनल इंडिया में नहीं रहते, हमें जापान में चले जाना चाहिए, क्योंकि उधर रेडिएशन बहुत ही मीठा है। देख यार इस टाइप के बातों को हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन हम लोग अगर ऐसे दो तीन पॉइंट को कवर नहीं करें ना, तो इन गधे लोगों को समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही अन्य कंट्रीज इंडिया को बेइज्जत करते रहेंगे। और सबसे अजीब बात पता है इस वीडियो में क्या लगा हमें, इस वीडियो में जितने भी एक्टर्स है वो तो शक्ल से इंडियन लगते हैं। क्या उन्हें ये मालूम नहीं था कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है, ये वीडियो किस चीज के ऊपर होने वाली है? डेफिनेटली उन्हें पता है, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। क्या उन्हें एक बार रियलाइज नहीं हुआ कि वो अपने कल्चर को गलत बोल रहे हैं, अपने कंट्री अपने मदर लैंड के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, या कुछ पैसों के लिए वो जापान के पास बिक चुके? मतलब यार इनके बारे में क्या ही बोले। और भाई साहब हम करी के अलावा और कुछ नहीं खाते, ये कौन बोल रहा है? जापान जो कंट्री पूरे नूडल के ऊपर ही बेस्ड है, और जापान के नेशन का डिश तो देखो करी राइस। मिल गई तसल्ली, पर जैसे कि बोला गया है कि हम इंडियंस अगर करी के अलावा कुछ खा लेते तो हम नंगाओं के नाचना शुरू कर देते। जैसा कि गाना में बताया गया कि अगर ये जो कैरेक्टर ये प्ले कर रहा है, अगर ये बर्गर खा लिया तो ये नंगाओं का नाचना शुरू कर देगा। यस, जापानी स्क्रिप्ट के हिसाब से ये नंगाओं का नाचना भी शुरू कर देगा। जिसका डर था वही हो गया, ये लोग जापान जा रहे हैं, अभी खाओ कच्ची मच्छी। मतलब यार ये लोग सब कुछ कच्चा कच्चा खाते हैं, और ये इंडियन कल्चर के ऊपर सवाल उठाते हैं। तो मतलब यार किसी को अगर जापान पूछा जाए ना, तो वो लोग नूडल समझते हैं। मतलब यार जापान का मतलब नूडल नहीं है, वो एक कंट्री है। यार इधर इसमें दिखाया गया कि 20 साल बाद जब वो जापान पहुंचे, तो तब वो उधर एक बिजनेस स्टार्ट करे, क्योंकि यार इंडिया में ठीक से कोई काम धंधा चलता नहीं है। भाई इतना क्यों जलना इंडिया से? डायरेक्ट यही कह देते कि आपकी तरक्की हमसे देखा नहीं जाता। कोई बात नहीं है, इससे हो जाएगा, अगर फेरी में मैं नहीं बैठ पाऊं, तो के एक पार्ट में ये तक कहा गया कि हम इंडियंस प्लेन में चढ़ने की आशा रखते हैं टिकट के अलावा, और फिर एज यूजुअल एक सिक्योरिटी पर्सन आता है और हमें भगा देता है, और फिर हम जाके नंगा होकर नाचने लगते हैं। मतलब भाई साहब देख रहे हो, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब यार इस वीडियो में ये दिखाया गया कि भगवान गणेश को एक चिराग के अंदर में बंद करके रखा गया, एक बंदी बना के रखा गया। दूसरों के मुंह से ये सुनते थे कि यार ये लोग बचकानी हरकत करते हैं, लेकिन आज देख भी लिया ये करते हैं यार सीरियसली। तो मतलब यार पहले ये दिखाया गया कि हम इंडियंस कितने भुक्कर है, और फिर हमारे कल्चर को एक गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया, और यार वीडियो के लास्ट में तो एकदम हद कर दिया, गणपति बप्पा को लेकर सवाल उठा। इनको यार कोई समझाओ, हम काट के घर में नहीं रहते और नूडल्स नहीं चबाते, जिस खाने में कोई फूड वैल्यू ही नहीं, और तुम्हें हमारे कल्चर के बारे में क्या मालूम? तुम लोग तो सिर्फ कीड़े ही खा सकते। मान भी लेगी ठीक है, चलो यार हम इंडियंस को रोस्ट किया, फिर सबको हमारे कल्चर को रोस्ट किया, लेकिन यार गणपति बप्पा आप भगवान के बारे में अनाप शनाप कैसे बोल सकते हो? और अगर आपको लगा था कि आप इस वीडियो को बना के कोई गलती नहीं की हो, तो वीडियो को बाद में प्राइवेट क्यों किया? हम बताते हैं प्राइवेट क्यों किया, क्योंकि ऑडियंस ने इतना प्यार बरसाया उस वीडियो के ऊपर, इतने डिसलाइक और चुम्बेश्वरी कॉमेंट्स बरसाए, यार चैनल ही फट जाता, इसीलिए प्राइवेट कर दिया गया। बहुत लोग सोच रहे हैं कि भाई थोड़ा सा क्रिटिसाइज ही तो किया है, एक वीडियो बनाने की क्या जरूरत, ट्रेंडिंग करवाने की क्या जरूरत इस टॉपिक को? देखो यार भगवान या कल्चर को लेकर कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता, अपना ज्ञान अपने पॉकेट में रखो और भागो यहाँ से। फिर अभी हम लोग बात करेंगे नमस्ते कोई के बारे में। एक जापानीज यूट्यूबर है जो कि हिंदी सीखता है और कहता है कि हम भारत को बहुत पसंद करते हैं, इंडिया में भी बहुत सारे व्लॉग्स और वीडियोस बनाता है, तो उसको भी उस वीडियो में या गाने में देखा गया था। तो यही का आपका असली रूप या असली रंग है इंडिया के, और इधर आके व्यूज और सब्सक्राइबर्स के लिए हिंदी में वीडियो बनाते हो, इंडिया को पसंद करते हो, ये दिखाते हो, फिर आपको इसे इंडिया नहीं कॉन्टेंट बाजार कहना चाहिए। पिछले 8 सालों तक के बारे में क्यों कुछ बुरा बोलूंगा, मेरे पिछले वीडियोस को देखकर आप जान सकते हैं कि मैं कभी
ऐसा वीडियो नहीं बनाता हूं कभी नहीं। तो यार इसके ऊपर ही एक छोटा सा अपडेट है, जब हम इनके चैनल को चेकआउट कर रहे थे और शायद उनको ये पता नहीं था कि ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है और उनका स्क्रिप्ट सिर्फ 5 सेकंड का था। और सबसे जो अजीब बात, उन्होंने इस वीडियो में कहा कि जो डायरेक्टर है, जो डायरेक्ट कर रहा था मूवी, वो इंडियन है। तो यार आप इंडियन हो गए, इंडिया को कैसे बेइज्जत कर सकते हो, आप तो टेररिस्ट हो यार। इन लोगों को तो यार इंडिया से भगा देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए लिटरली। और यार इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो हमें ये भी पता चला कि एक बंदा था जो इंडियन है, ठीक है, वो जापानीज भाषा से इसको हिंदी में कन्वर्ट कर रहा था। इसका मतलब ये जो करी पुलिस वाला कॉन्सेप्ट या गाना है, वो पूरा कॉन्सेप्ट जापान से आया है, जिसे बाद में ट्रांसलेट करके गाना बना दिया गया। तो यार इन लोगों की रियलिटी यहीं पर खत्म होती है। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाना जरूरी है, तो अभी शेयर कीजिए इस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए, और अगर चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार हमारे वीडियोस फैमिली फ्रेंडली के ऊपर बेस्ड है। हम किसी भी कंट्री और रिलीजन के अगेंस्ट में अनाप शनाप यार टारगेट नहीं करते। तो यार बस आज के लिए इतना ही, होप यू एंजॉयड।